वो जी टाइप जो उसमें आती है GTA 5 में, है ना। ऐसे 24 या 25 तारीख को भाई बाइक राइड पे निकल जाएंगे अपनी नवी नवी BMW 1250 GS एडवेंचर में। ओ, 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 आगे पुलिस वाले हैं, रोके ना हमको। और ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ जरा, क्योंकि एक दिक्कत है मेरे को मेरे साथ इस बाइक में। हमने कहा था कि 2 310 होगी, 1250, तो बीच में 1250, साइडों में दोनों 300 लेके घूमेंगे भाई साहब। करो करो अच्छे से बिल्कुल गीली वाली गीली वाली। मेरे पैर तो पहुंच नहीं रहे, तेरे कैसे पहुंचते हैं? मेरे भी इतने ही पहुंचते हैं। इस बार भी स्पेशल नंबर लिया मैंने, हायाबुसा के टाइम लिया था 13-13, इसमें ले रहा हूं मैं। वैसे पर्सनली ना मुझे यही वाला कलर ज्यादा पसंद था, पिछले वाला जो HP में आता था, अब जो है वो व्हाइट ही कर दिया प्रॉपर। ये चीज देखो यहाँ पर भी पैनियर्स में भी लाइट लगवा रखी है, अभी ऑन करना बताना एक बार, है ना। ये लोगो लाइट मैं भी लगवा के आऊंगा जल्दी से। तो यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 19 सितंबर 2021। मैं हूँ अभी गुड़गांव में, वो भाई अभी फिसलता। आंटी सफाई करके गई ना तो फर्श थोड़ा गीला हो रहा है। बाल, अबे वो भाई बाल बाल बच गया, दूसरी बार आराम आराम से जाना पड़ेगा। ओहो, आज सीन हो जाता। कल रात को हमने कपड़े धोए थे तो वही अब सुखाने हैं सारे के सारे। काम ना इतना ज्यादा हो जाता है भाई, मतलब टाइम ही नहीं बचता काम कंप्लीट करने के लिए। कुछ ना कुछ काम हर रोज रह ही जाता है। इतने दिन से सोच रहे हैं कि सफाई करेंगे कंप्लीट, मतलब आंटी तो झाड़ू पोछा करके जाती है, उसके अलावा अपना सामान इतना फैला होता है। जैसे अब ये गेमिंग रूम है, अब हमने केशव और मैंने मिलकर रात को गेमिंग रूम पूरा साफ करा। यहाँ पर इतने सारे डब्बे पड़े हुए, तो सब डब्बे हटा के जिम वाले रूम में करे, क्योंकि वहां पर सही है। अब ये खाली खाली स्पेस हो गया ना, प्रॉपर अपना सेटअप है अब यहाँ। इसके अलावा ये वाला रूम तो गंदा ही रहता है, क्योंकि यहाँ भ्रूनो रहता है, तो बार बार ना वो चक्कर क्या पानी पीता है ना, तो उसके बाल यहाँ से लंबे है, तो पानी ना बालों में अटक जाता है, फिर वो पूरे घर में घूम घूम के पानी से गीला कर देता है और फिर पैर छापता रहता है। उसके बालों को जितना मर्जी सुखा लो भाई, सूखने का नाम ही नहीं लेते। जिम वाला रूम भी प्रॉपर हमने सेटअप कर दिया, बस वो जूते वूते वहां से हटाने और ये एक दो डब्बे हटाने हैं। और ये वाली जो अपनी बाइक है ना भाई, छोटी वाली, कल रात को हम चलाने गए थे, इतना मजा आया। केशव और मैंने दोनों ने चलाई। असल में ना इसको मैं गली में चला नहीं पाता, क्योंकि ये शोर बहुत करती है और आसपास के कुत्ते जितने होते हैं ना वो पीछे पड़ जाते हैं। अब इसकी हाइट बाइक की छोटी है, तो छोटी होने की वजह से कुत्ते काट भी सकते हैं, तो थोड़ा डर लगता है। इसलिए पहले हम स्कूटी में इसको लेकर गए रोड तक मेन वाली, और फिर मेन रोड पर चलाई जाकर वहां पर। अब जब हम दूसरे वाले घर में शिफ्ट होंगे ना पापा मम्मी के साथ, तो ये सोफा वोफा ना मैं वापस से रिपेयर करवाऊंगा, क्योंकि ब्रूनो ने बहुत हालत खराब कर रखी है। अब ब्रूनो को हम ना सुबह शाम बाहर रनिंग के लिए ले जाते हैं काफी देर तक, लंबी वॉक या रनिंग, तो उससे ना वो थक जाता है, जिससे कि उसकी एनर्जी जो है ना वो सारी कंज्यूम हो जाती है। तो इसलिए अब उसने चीजें खाना ना बहुत हद तक कम कर दिया है। हालांकि लास्ट ब्लॉग में थोड़ा गुस्से में आ गया था वो, और ब्रूनो उसको काट गया था। मयंक, आपने बर्थडे वाला ब्लॉग देखा तो देखना, और लाइक करा करो भाई सारे के सारे ब्लॉग में, 25-30-40 हज़ार लाइक जितने हो सके कर दिया करो। बाकी अब लास्ट चीज जो बची है ना, वो बची अपनी ये शाफ्ट वाला एरिया। यहाँ पर बहुत कूड़ा फैला हुआ है, ये मेरा पुराना गद्दा जो ब्रूनो ने चबा दिया था पूरी तरह से, और ये कुछ सामान है जो हम फेंक के आएंगे आराम से, तो इसी का काम रहता है बस, ये एक दो दिन में निपटा लेंगे, और फिर उसके बाद हम शायद से 24 या 25 तारीख को भाई बाइक राइड पे निकल जाएंगे अपनी नवी नवी BMW 1250 GS एडवेंचर में। अरे हाँ सर, आपको दो चीजें और दिखानी थी जो मैं हिमाचल से लेकर आया था। ये एक विंटेज कार जो चिंतपूर्णी से ली थी, अगर आपने वो वाला व्लॉग देखा हो तो, और ये थी एक वो जी टाइप जो उसमें आती है GTA 5 में, है ना, कितनी सही लग रही है। तो ये मैंने अपनी जहाँ पे बाइक्स का कलेक्शन रखा हुआ, कलेक्शन तो क्या, दो ही बाइक है मेरी ड्रीम, एक हायाबुसा और एक BMW, दोनों जो मैं ले ही चुका हूँ। अब गाड़ियों की बारी है, बट उससे पहले भाई घर खरीदेंगे अपना कहीं से अच्छी सी जगह पे, प्रॉपर 400-500 गज का, पर उसमें लगेंगे 1.5 से 2 साल, शायद ज़्यादा भी लग जाए, कुछ कह नहीं सकते। फिर भाई गाड़ियों पे आऊँगा, अपनी रेंज रोवर वेलार लेनी है, और भी एक दो सुपर कार्स लेंगे, बट टाइम है उसमें 3-4 साल। ऐसी अगर आप अच्छी तरह से सपोर्ट करते रहोगे तो भाई वो 4 साल 2 साल में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट, लाइक शेयर, ठीक है, पहुंचाओ लोगों को व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह शेयर करा करो व्लॉग्स को। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय Skillshare. Skillshare इज एन ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी विद थाउजेंड्स ऑफ इंस्पायरिंग क्लासेस फॉर क्रिएटर्स। सो बेसिकली Skillshare पे आप काफी सारे क्रिएटिव टॉपिक्स की क्लासेस ले सकते हो, जैसे कि फोटोग्राफी हो गया, एनिमेशन हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट एंड मैनी मोर। काफी लोग मेरे से ही पूछते हैं मेरी वीडियो एडिटिंग के बारे में, तो बता दूं मैंने भी Adobe Premiere Pro की क्लासेस Skillshare से ही ली है। वीडियो का नाम है एडवांस वीडियो एडिटिंग विद Adobe। इस वीडियो से ना मुझे काफी सारी न्यू एंड इंटरेस्टिंग चीजें सीखने को मिली एडिटिंग के बारे में। एंड सच्ची बताऊं ना तो ये वीडियो थोड़ी एडवांस थी, क्योंकि मुझे बेसिक्स ऑलरेडी आते थे एडिटिंग के काफी सालों से, लेकिन अगर आप बेसिक भी सीखना चाहते हो ना तो उसके लिए भी आपको क्लासेस मिल जाएगी Skillshare पर। इसके अलावा Skillshare का जो सब्सक्रिप्शन है ना वो भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, लाइक 12 मंथ्स के लिए less than 2400, जो कि मंथली 200 रुपए से भी कम पड़ता है।
इससे ज्यादा तो भाई अपना संडे राइड में पेट्रोल ही डल जाता है। और अगर आप मेरे लिंक से ज्वाइन करते हो ना जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आपको 1 मंथ का फ्री ट्रायल भी मिलेगा, बट ये ऑफर सिर्फ शुरू के 1000 लोगों के लिए। तो भाई देर मत करो, फटाफट से जाओ, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दे रखी है। एडिटिंग सीखना है या और भी कुछ सीखना है तो बहुत सारी क्लासेस आपको स्किल शेयर पर मिल जाएगी। चलो भैया निकलते हैं अब फटाफट से, अपनी BMW लेकर जा रहा हूँ मैं, और जा रहे हैं हम वापस से नारायणा शोरूम पे ही, BMW जहाँ से हमने निकलवाई थी 2 दिन पहले ही। इस बाइक पे ना भी बहुत सारा काम होना बाकी है, मतलब एक्सेसरीज लगनी है मेरे को, PPF या सेरेमिक करवानी है, तो वो धीरे धीरे करवाएंगे, बट ये पक्का है भाई ट्रिप पे जाने से पहले करवाना है, क्योंकि मतलब लगेज ही नहीं अगर सिस्टम होगा, जैसे पैनियर्स कुछ भी नहीं है अभी इसमें, तो ट्रिप पे जाने का मतलब नहीं बनेगा ना, 10-12 दिन की है वो भी, तो सारा सामान लगवा के अच्छे से करवा के जाएंगे। साथ में अपने केशव भी चल रहा है। पीछे बैठने का एक्सपीरियंस कैसा है? बढ़िया, KTM से तो बहुत कंफर्टेबल है, तगड़ी। चलो भाई चलो बैठो, फटाफट निकलते हैं, मोटर व्लॉग करेंगे लंबा। ऐसे कह रहा है सोफे में, ओए होए होए, आराम से। अभी जब वो लगेगा ना टॉप बॉक्स इसका, तो पीछे तुम आराम से टेक लेके बैठ जाओगे, उसमें बहुत तगड़ा मजा आता है लंबी राइड्स में। चलो री, चलो जी चलते हैं, आपको आवाज सुनाता हूँ ऑन करने पे। जब ऑन करते हैं ना तब इसकी अच्छी आवाज आती है, और बॉक्सर इंजन है ना तो ऐसे पूरी मस्त हिलती है भाई, ये देखना है ना क्या मस्त फील आती है। ऑन करते वक्त ना प्रॉपर बुलेट वाली आवाज आती है इसमें से, बट चलते वक्त इतनी खास कुछ आवाज नहीं है, पर ठीक है, हमें कौन सा आवाज से मतलब है भाई, एडवेंचर बाइक में तो अपना हम एडवेंचर करेंगे ना, लॉन्ग टूरिंग करेंगे, आवाज के लिए अपनी हायाबूसा पे लगवा लेंगे एक्रोपोविक के स्लिप ऑन, तगड़ी आवाज आए करेगी फिर। Leather on the steering wheel, it got my palm chilly. Short necklace with the long willy, calm really. And it ain't even about the fame, it's about the bread, niggas lost. अभी गुड़गांव से ना मैंने टोटल 20 किलोमीटर ये बाइक चलाई है, और बिल्कुल भी पता नहीं चला रास्ते का, इतनी कंफर्टेबल राइड थी, मतलब बहुत तगड़ी बाइक है, आप जितनी तारीफें करूँ ना उतनी कम है। ओ, 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 आगे पुलिस वाले हैं, रोके ना हमको। और ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ जरा, क्योंकि एक दिक्कत है मेरे साथ इस बाइक में। तो इस बाइक का ना एक और फीचर आपको बताता हूँ, जो मैंने आज तक सिर्फ गाड़ियों में देखा, किसी भी बाइक में नहीं देखा। जैसे आप गाड़ी में राइट का इंडिकेटर देते हो, और फिर जब स्टेयरिंग मोड़ के पूरी गाड़ी को मोड़ लेते हो, तो इंडिकेटर बंद हो जाता है ना अपने आप, लेकिन बाइक और स्कूटियों में ऐसा नहीं होता है ना, लेकिन इस बाइक में भाई ऐसा होता है। अगर आपने इंडिकेटर दिया है और फिर हैंडल मोड़ के मतलब टर्न ले लिया, तो ऑटोमेटिक जो इंडिकेटर बंद हो जाएगा। क्या सही चीज़ है ना, मज़ा सा आ गया। और ये हम पहुँच गए हैं लेफ्ट में BMW मोटर आर्ट के शोरूम में, जो कि यह है नारायणा दिल्ली में। सबसे अच्छी चीज़ चाबी नहीं लगती भाई, कीलेस एंट्री है, चाबी मेरे जेब में पड़ी है और मैंने बाइक को जो है वो बंद कर दिया है। चलो जी, की हाल चाल जी? बधाई हो जी, बधाई हो भाई, थैंक यू। तीसरे ब्लॉग में बधाई मिल रही है मुझे। मैंने किसी तरह कन्विंस कर ही लिया दो ट्रिप में ले जाके कि ले लो भाई अब तो फटाफट उसको भी कर लो। इसकी ये भी इसने मुंह से बोला था अपने कि जब अभिषेक लेगा तभी मैंने बोला था, मगर मैंने मैक्स टू मैक्स 1-2 महीने डिले है, लेकिन दिसंबर तक फाइनल, दिसंबर तक पक्का। ठीक है, मयंक का सीन क्या चल रहा है? ये KTM लेने की उसमें है मेरी, है ना? तो अभी ये ट्रिप पे लेकर चलेगा मेरी KTM को, फिर देखते हैं। फिर मेरे हाथ में अगर बाइक सेट होती है तो लेने की प्लानिंग करेंगे। ठीक है जी, तो ये खड़ी है बाइक, यही है सेम, हाँ यही वाली बाइक है सेम टू सेम। बड़ी जल्दी मिल गई 3 दिन के अंदर भाई, बड़ी जल्दी ले ली, मुझे खुद एक्सपेक्टेशन नहीं थी जल्दी मिल जाएगी। दूसरी चीज, स्यापे इतने पड़ रहे थे, पता नहीं कैसे मिल गई, भगवान का कुछ होगा। चलो हो गई ना, आपको लग तो ये भी बड़ी रही है काफी। हाँ तो वो तो है ही, जब उसका कंपैरिजन में थोड़ी है, 1250 के कंपैरिजन में तो भाई 10 गुना का फर्क है। इसको गाड़ी में बोला मैंने, केक वेक लेके चलते हैं, कह रहे कि वो ही लोग देंगे वो लोग करेंगे, मैंने कहा छोटी बाइक को भी नहीं मिलता। नहीं मिल रहा है ना, जब ट्रिप पे जाएंगे 1200 में चलेगी हम दोनों। यही तो हमने प्लानिंग की थी वहाँ पे, हमने कहा था कि 2-310 होगी, 1250, तो बीच में 1250, साइडों में दोनों 300 लेके घूमेंगे भाई साहब। पैनियर सेट कर लिया, KTM वाला क्या करेगा? प्लानिंग तो यार तुमने BMW कर ली, KTM वाला कहाँ जाएगा? तू 1250 के पीछे छुप छुप के चली हो। चलो जी, फाइनली बाइक अनवील करने का टाइम आ गया है, और उसके बाद केक कटिंग। 1 2 3 ये सबके हाथ में तो कैमरे, तालियां बजाएगा कौन? अच्छा ये बताओ, इसको ब्लैक ही रखोगे, रैप करवाओगे? सही लग रही है ब्लैक में, चलो बढ़िया। इस बार ये कलर अच्छा है, हाँ पिछले वाले से ज्यादा जिक्सर थी ना पहले, कौन सी थी? जिक्सर ही तो थी। हाँ जिक्सर से सीधा BMW, देख रहे हो मोटा पैसा कमाया जा रहा है मतलब। चलो भाई चलो, अभी पर इसमें काम बहुत करवाना है, पैनियर्स के लिए वो रैक लगवाना है, और थोड़ा लगेज सिस्टम अच्छे से करना है। इसकी विंडशील्ड भी मंगवानी पड़ेगी ना, बताओ क्यों नहीं दिया BMW वालों ने? मुझे भी जाना है, शायद कल ही जाएंगे हम, कल या परसों चलोगे? कल ही चलेंगे, अपने बाइक के लिए भी एक्सेसरीज लेनी है एक दो। और लक्की भाई का भी आ गया, ये भी 1250 निकलवा रहे हैं, पुरानी HP।
I don't borrow shit, little nigga, I loan bread. I do it for the underground shit that ain't promoted. इसकी तो भाई साहब इतनी हाइट है, ये बाइक तो क्या मेरी वाली में भी पूरे पैर जमीन के अंदर तक धसा दे। तो चलो जी, फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, बाइक की आवाज भी सुनाते हैं आपको। करोन अच्छी है आवाज तो इसकी भी। अब रोमांस चलने वाला है बाइक और अभिषेक के बीच में। करो 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 करो। अबे भाई बहुत नीचे। अरे कोई नहीं, शर्माओ मत, BMW के लोगों पे, लोगों पर। करो करो अच्छे से, अच्छे से, बिल्कुल गीली वाली, गीली वाली है। भाई मेरी फोटो। करो 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 करो। फैजल ने मेरी बाइक देखी नहीं थी, ये बर्थडे पे भी नहीं आया था, तो अभी इस पे रिएक्शन लेते हैं चल के। तूने बुलाया था बर्थडे पे? हाँ रहने दे, बुलाया था, आया है नहीं, बकवास कर रहा है। ऐसी है यार, तो बहुत यूज है भाई, है ना। ट्रक 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 है मेन है इसका, टैंक जो है ना भाई, टैंक देख के सब चौंक जाते हैं, इतना यूज। फ्रंट का ज्यादा ही है, पीछे ना पैनियर लगेंगे तो पीछे से ही बराबर हो जाएगी। अभी लगे नहीं ना, इसलिए पतली पतली सी लगती है पीछे से, ऐसा लगता है कि छोटी है और आगे से बड़ी है। देखो ये देखो, पर ये जब पैनियर लगेंगे ना प्रॉपर, ऐसे नहीं नस चढ़ जाएगी ऐसे, तो इस पे पैर रख के चढ़ा कर। मेरे पैर तो पहुंच नहीं रहे, तेरे कैसे पहुंचते हैं? मेरे भी इतने ही पहुंचते हैं, मयंक के पूरे पहुंच रहे भाई। मयंक 6 फीट है ना, इसलिए इसके आराम से पूरे रखे जा रहे थे जमीन पे, हमारे उठ रहे हैं दोनों के। जब मेरी डिलीवरी थी ना, जल्दबाजी के चक्कर में टेम्परेरी नंबर ना चिपकाना ही भूल गए थे, तो इसलिए मैं रस्ते में गया था, पुलिस वाले रोक ना ले, दिक्कत हो जाएगी। तो आज भैया चिपका देंगे आगे भी पीछे भी, और अपनी नंबर प्लेट भी जो है थोड़े दिन में आ जाएगी। इस बार भी स्पेशल नंबर लिया मैंने, हायाबुसा के टाइम लिया था 13-13, इसमें ले रहा हूँ मैं 14-14। तो थोड़ी ऐसी सीरीज चलती रहेगी ना, 13-13, 14-14, फिर आगे जो लेंगे 15-15, तो मस्त हो जाएगा। 13-13 आया भूसा का, इसका 14-14 लिया। वीली मारते हुए एक टायर पे। ओके जी, कॉन्ग्रेचुलेशन एक बार फिर से। ओके जी मिलते हैं। ओके जी फैजल खान। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है जी मयंक जी। ओके ठीक है भैया। हाँ इसे इसे कमेंट करके बताओ कि ये जल्दी से जल्दी ले, और सीधा 12:50 ही ले ले, मैं तो कह रहा हूँ, क्यों सोचना। लेट्स गो, अभी हमें जाना है गुड़गांव NS1, क्योंकि वहाँ पर एक और 12:50 की डिलीवरी हो रही है, बट वो है पुरानी वाली भाई, मतलब GSA ही है HP एडिशन, बट शायद से 2019 या 2020 का मॉडल है वो, अपने लक्की वैसला भाई जिन्होंने हायाबुसा ली थी मेरे टाइम पर ही जब मैंने ली थी, वो ले रहे हैं BMW, और अपने साथ वो भी राइड पर चलेंगे फिर, तो उनकी डिलीवरी भी अटेंड करनी है, फिर सीधा निकलेंगे भाई गुड़गांव। कुछ खाया भी नहीं है, भूख बहुत तेज लग रही है क्योंकि I don't need designer shit, I wear my own thread. Take it from the label, put it in the homestead. I don't borrow shit, little nigga, I loan bread. काफी ज्यादा लेट हो गए यार, 4 बजे पहुंचना था, 4:45 हो गए हैं वहाँ पर। भाई की, अभिषेक भाई की डिलीवरी में टाइम लग गया, अभिषेक भाई की डिलीवरी नहीं सॉरी, उनकी बाइक की डिलीवरी, बट हम फाइनली पहुंच गए हैं। ये रही लेफ्ट में हमारे NS1, वो खड़े हैं लक्की भाई। तो ये रही भैया की भी, भैया वेट ही कर रहे थे कब से, सॉरी लेट हो गए थोड़ा सा। सबसे ज्यादा वेट किया, 1 घंटे से ऊपर हो गया। चलो करते हैं शुरू अब। भैया का वैसे प्लान था वो नई वाली लेने का ही, बट उसकी वेटिंग बहुत थी, उसकी भी मैं अभी एंड में सब कुछ बताऊंगा क्या रीजन रहा है, लेकिन टाइम बहुत लगा, सोचा था कि जल्दी से ले लूं, नई वाली मिलती तो मैं आज ही ले लेता, लेकिन वो भी जनवरी फरवरी तक शायद आ जाएगी। इसकी डिटेल बता दो थोड़ी सी। इसमें लोडेड है थोड़ा, इसमें लोगों के साथ जो लाइट है वो है, आगे ग्लास पर है, पैनियर, टॉप बॉक्स लगवाना पड़ेगा। टॉप बॉक्स कौन सा मॉडल है? ये मॉडल है 2020 का, तो सही है फिर तो। कितनी चली? 3200 सही डील है फिर तो, इसलिए तो ली है मैंने। वेट करते करते मैंने कहा वहाँ मैंने बुक कराई है उसे, लेकिन कैंसिल कराऊंगा। अच्छा। मैंने कहा डील अच्छी मिल रही है ये लो। सही बात है, अब 4 महीने कौन वेट करेगा फरवरी तक, ये डील अच्छी है तो। 4 महीने लोग कह रहे हैं जनवरी फरवरी में, अभी जो है बुक की हुई है वो देंगे। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग यही रहेगी 2020, तो फिर क्या फायदा, अभी निकलेगी 3 महीने में आएगी, समझ गया। और लिमिटेड एडिशन बनाई कर रहे हैं कह रहे, वो तो बाहर आई थी। चलो ठीक है, बढ़िया है, बधाई हो आपको भैया। अब राइड पे चलेंगे जैसलमेर वाली सी, प्लान बना हुआ इनका तो, पैनियर्स का हो गया, मेरा कुछ जुगाड़ नहीं हो, मैं बैग ले चलना। हाँ वही सॉफ्ट लगेज ही लेना पड़ेगा। वैसे पर्सनली ना मुझे यही वाला कलर ज्यादा पसंद था, पिछले वाला जो HP में आता था, अब जो है वो व्हाइट ही कर दिया प्रॉपर, मेरे को ब्लू ब्लू पसंद आ रहा था। मैं कह रहा था रैप की, बट भैया कह रहे फिर वो लगेगी पुरानी वाला ही मॉडल है ना, रैप छोड़ो। हाँ कोई बात, ये लोगो लाइट्स मुझे दे दो भैया,
मिल नहीं रही मुझे बहुत चीज नहीं मिल रही, बाइक ही नहीं मिल रही सबसे पहले, तो बाइक लेनी है वो ही नहीं मिल रही है। बाइक तो भाई पूरी लोडेड है, बस टॉप बॉक्स की जरूरत है, इसके अलावा तो कुछ जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत है बस। ये चीज देखो यहाँ पर भी पैनियर्स में भी लाइट लगवा रखी है, अभी ऑन करना बताना एक बार, ये ना सही लग रही है देखना, काफी है तो छोटी सी बट लाइट प्रॉपर दे रही है इंडिकेटर के साथ भी, और वैसे भी जल जाएगी है ना। ये लोगो लाइट मैं अभी लगवा के आऊंगा जल्दी से, इसमें ना ये कलर तो मिल रहा है रेड है ना आपका ये वाला, ये इंडिकेटर में येलो जलता है, वैसे नॉर्मल रेड है, बट मुझे अपने वाली के लिए ब्लू चाहिए, तो वो वेटिंग है उसकी भी 5-10 दिन की, हर पार्ट की वेटिंग भाई साहब। और डायरेक्ट ऑर्डर करो जर्मनी से तो वो पहुंचती नहीं है, या तो कस्टम में महीने तो वैसे ही है जर्मनी से आएगा, बाइक का भी तो आ गया है, आरएनजी का तो आ गया सामान मेरा, आ गया हां आई वो सब आ गया, हां परसों ही आया सारा। चलो ठीक है भैया चलते हैं, चलो लाइट पर मिलेंगे अब, ठीक है जल्दी जल्दी करवा लो जो भी है काम, 2-3 दिन में मिलते हैं। हां ठीक है ओके, अब तुम्हें काम कराना है, तुम्हारा वेट है, मेरा तो हुआ पड़ा है, मैं रेडी हूं। चलो बधाई हो, ठीक है निकलना है रात को निकल लो। ओके ओके, अपनी बाइक में भी पेट्रोल जो है बिल्कुल खाली है, भरवाना पड़ेगा। यार वहां से निकलते निकलते ना गोप्रो की बैटरी खत्म हो गई थी, तो आते वक्त कोई भी मोटो व्लॉग नहीं कर पाया, घर आ चुका हूँ वापस, थकान बहुत ज्यादा हो गई है, 2-2 डिलीवरी शूट पे गया था। ठीक है जी, स्किल शेयर का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, चेकआउट जरूर कर लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। चलो जी टाटा बाय बाय। I exist in all dimensions, niggas flesh bound. The stale money from the mattress bought a friend.